नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम लोग पहुंचे हैं छठ घाटों का मुआयना करने के लिए। लोक आस्था का पर्व छठ को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में इस छठ को बहुत ही लोक महत्वपूर्ण और लोकप्रियता के साथ मनाते हैं। आज हम पहुंचे हैं पटना के महेंद्रू घाट में, जहाँ पर हम जानेंगे कि क्या क्या सुख सुविधाएँ दी गई है यहाँ छठ करने वालों के लिए। साथ ही हम जानेंगे कि सुरक्षा की कितने व्यवस्थाएं की गई हैं, रोशनी की क्या स्थिति है, प्रशासन की तरफ से किन किन चीज़ों का व्यवस्था किया गया है। घाटों की सुरक्षा की बात करें तो प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए हैं। इसमें देख सकते हैं आप, गंगा के छोर पे एक बैरिकेटिंग लगाई गई है, जहाँ के आगे से आप गंगा के उस तरफ नहीं जाने की हिदायत दी गई है। बताया गया है कि अगर आप उस तरफ जाएंगे तो आगे का खतरा है, आगे गंगा का जल स्तर में बहुत वृद्धि है, इस चलते आप आगे नहीं जा सकते हैं। मैं अपने सहयोगी से निवेदन करता हूं कि वो उन सब तस्वीरों को दिखाएं जिसमें जो कि सुरक्षा के तहत लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कितनी दूरी तक ये लगाई गई है, बैरिकेटिंग की गई है, ताकि श्रद्धालु वहां तक ही जाएं, उससे आगे ना जाएं, उससे आगे गंगा के जलस्तर में वृद्धि है, पानी बढ़ा हुआ, उससे आगे जाने के बाद किसी तरह की भी घटना हो सकती है। प्रशासन की तरफ से NDRF की टीम भी यहां लगाई गई है, जो अभी से ही इन सब चीज़ों का मुआयना कर रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से NDRF की टीम जो है बार बार चक्कर काट रही है, लोगों को दिखाने का प्रयास कर रही है कि आप इससे आगे ना जाएं। घाटों पर श्रद्धालुओं और व्रतियों को ध्यान में रखते हुए कुछ इंतजाम किए गए हैं, जिनमें कि महिलाएँ जब नहाने के बाद कपड़ा चेंज करेंगी उसके लिए एक अलग से रूम बनाया गया है। ऐसे ऐसे 3-4 रूम बनाए गए हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर जिला नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है, जिसमें कि प्रशासन यहाँ पे हर समय मौजूद रहेगी और यहाँ पे किसी तरह की अनहोनी की घटना ना हो, इसके लिए प्रशासन की तरफ से ये व्यवस्था की गई है। ये जिला नियंत्रण कक्ष संख्या 27 यानी कि 27 है, और ये कलेक्ट्रिएट घाट और महेंद्रू घाट के जॉइंट में ये इस तरह का ये जिला नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। यहाँ पर आप किसी तरह के, जब छठ व्रत शुरू होगा तो यहाँ पर आप किसी भी तरह के परेशानियों के बारे में जान सकते हैं, उसके बारे में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपको पुलिस हेल्पलाइन की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी, जो कि इन्हीं जिला नियंत्रण कक्ष के आसपास से मुहैया कराई जाएगी। कलेक्ट्रिएट घाट और महेंद्रू घाट के अगर हम उसकी रोशनी की बात करें, यहाँ पे प्रकाश व्यवस्थाओं की बात करें, तो बहुत ही चौक चौबंद व्यवस्था की गई है। हर एक जगह चप्पे चप्पे पे बड़े बड़े हैलोजन लगाए गए हैं। अगर ये समय रात का समय होता, अगर हम रात में इस वीडियो को शूट कर रहे होते तो इसकी रोशनी हमें ज़रूर देखने को मिलती, और एकदम चकाचक दुधिया रोशनी में नहाया हुआ दिखता ये घाट। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से चप्पे चप्पे पे हैलोजन लाइट लगाए गए हैं, जिससे कि यहाँ व्रत करने वालों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह से दिक्कत, किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। प्रशासन ने इस बार लाइटिंग की बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है। अरे अपना नाम बताइए। कुमकुम देवी। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? बनमनखी से आए हैं। कहाँ है ये? पूर्णिया जिला पड़ता है। अच्छा, तो यहाँ कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, नहाने के लिए बहुत सुंदर सुविधा है यहाँ पे। और पूर्णिया में ऐसी व्यवस्था नहीं है? नहीं है, तब ना इतना दूर आए हम लोग। तो वहाँ छठ होता है पूर्णिया में? हाँ होता है। तो क्या बनमनखी में भी होता है? अच्छा, तो किस तरह की व्यवस्था है वहाँ पे? इतना अच्छा व्यवस्था तो नहीं है जितना अच्छा यहाँ पे है पटना में। हमारे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं जिला के आला अधिकारी इन घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तक किन किन चीज़ों की दिक्कतें रह गई है उन्हें पूरा किया जा सके। श्रद्धालुओं और व्रत प्रवियों के लिए को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे शौचालय का भी निर्माण किया जा रहा है, जो कि अभी निर्माणाधीन है। यहाँ पे अभी सिर्फ टंकी बनाई गई है, शेड बैठाया गया है, अभी इस पे ऊपर से ढक्कन लगना है ताकि एक मुकम्मल शौचालय के रूप में बन सके। अंटा घाट और कलेक्ट्रिएट घाट को जोड़ते हुए अभी रास्ता बनाया जा रहा है, जो कि महेंद्रू घाट और कलेक्ट्रिएट घाट को जोड़ेगी। इस रास्ते से में अभी काम चल रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही है। यहाँ पे गंगा में आए बाढ़ के बाद से पूरी तरह से गड्ढा जम गया था, जिला प्रशासन की तरफ से इसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है, बल्बियाँ लगाई जा रही है, लाइट लगाने की व्यवस्था की जा रही है। प्रशासन इसमें चुस्त दुरुस्त है,
देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ पे जो पहले गड्ढा हुआ करता था उसे अब भर दिया गया है, लाइटों की तमाम व्यवस्थाएं की गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितने बड़े बड़े हैलोजन लगाए गए हैं, प्रशासन के अधिकारी भी यहाँ पे आकर इसका समय समय पर मुआयना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से ट्रक और जेसीबी की गाड़ियाँ यहाँ पे काम कर रही है ताकि किसी भी तरह से श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, आने जाने वालों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, पर्व करने वाले व्रतियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। कैमरे के पीछे हैं राजमोहन, बिहारी न्यूज़ के लिए रतन सेन भारती।